हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, बात करने वाला हूँ बिहार में चौकीदार पद पर बम्पर भर्ती निकाली गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि जो बम्पर भर्ती निकाली गई उसमें कौन सा लोग आवेदन कर सकते हैं, और दोस्तों आवेदन करने की उम्र सीमा क्या रहेगा, उसका सैलरी कितना रहेगा, और दोस्तों कितने पद पर जो कि आवेदन निकाली गई। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा कि जो चौकीदार पद पर भर्ती निकाली गई है उसमें कितने सीटें हैं, और महिलाएं के लिए कितना सीट है, और महिलाएं के लिए कौन कौन सा आरक्षण को छूट दिया गया है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता हूँ कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन को ओपन यहाँ पर कर लिया हूँ। नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर कि कुल 223 पद पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है चौकीदार पद पर। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पे कौन कौन कैटेगरी के लिए कितना जाति यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए 25 है, उसी में अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे देखिएगा तो आपको मिलेगा महिला के लिए 14 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो अनुसूचित जनजाति के लिए महिला के लिए 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 53 है, उसी में महिला के लिए। सारा कुछ दोस्तों यहाँ से आप अच्छे से रीड करके पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ लेना है। उसका दोस्तों यहाँ पे आइएगा तो आपको वेतनमान स्तर 1 पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं तो वेतनमान स्तर 1 है, तो 1 का मतलब होता है कि आपका जो सैलरी है कोई अच्छा खासा सैलरी रहेगा। आपका जो सैलरी है 20 से 25 के बीच में आपका रहेगा। उसका यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको शैक्षणिक योग्यता में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्या रहेगा, तो आपको यहाँ पर अच्छे से रीड करना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कुछ शैक्षणिक योग्यता उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, यानी कि अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता योग्यता 10वीं मैट्रिक अथवा समक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड होगी। यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि आप कम से कम 10th पास होना जरूरी है। दोस्तों अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दोस्तों अगर आप 10th बिहार बोर्ड से पास नहीं किए तो दोस्तों आप कोई भी बोर्ड से अगर 10th पास किए हैं या आपके 10th के समक्ष में कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा कि समक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये भर्ती निकालेगी, इस भर्ती में आपको रिटर्न एग्जाम नहीं लिया जाएगा, इसमें आपको कोई भी परीक्षा नहीं लिया जाएगा। जो आपको इसमें जो सिलेक्शन होगा, जो कि आप 10th का मार्कशीट देंगे, उस आधार पर आपको 10th में कितना नंबर आया है उसी आधार से इसमें आपको सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अंक समान प्राप्त होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को जन्मतिथि के आधार पर वृत्ति दी जाएगी। दोस्तों यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म को अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद 2 या 3 जैसे कि बहुत सारे बच्चे का सेम नंबर है, किसी का 85% है और उस बच्चे का भी 85% है, तो उस स्थिति में जिस बच्चे का उम्र ज़्यादा होगा उसको सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो लिखा हुआ मिलेगा अभ्यास्त्री को साइकिल चलाने का ज्ञान होना आवश्यक है। ये महिला के लिए मतलब कि शर्त नहीं है, सिर्फ ये पुरुष के लिए है, साइकिल चलाना आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आपको जो शैक्षणिक योग्यता में आपको 10th पास होना चाहिए। उसके बाद 10th के अलावा भी दोस्तों आप कोई भी बोर्ड से कोई भी डिग्री आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो आपको उम्र सीमा भी आप समझ गए होंगे कि आपको कम से कम उम्र देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम से कम 18 होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 37, 40, 40, 42 दोस्तों महिला और पुरुष के लिए यहाँ पर दिए हुआ है, तो उम्र सीमा भी आपको यहाँ से देख लेना है। उसका दोस्तों यहाँ पे देखिए तो आपको मिलेगा आवेदन करने की प्रक्रिया तथा समय सीमा। तो दोस्तों आपको ये देख लेना है कि आवेदन जो प्रक्रिया होने वाला वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि त्रुटिहित आवेदन पत्र सीधे निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा जिला नियोजन कार्यालय अरवल ब्लॉक कैंपस अरवल पिन कोड इतना दिया हुआ पते पर प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 20/7/2024 को संध्या 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो भर्ती निकाली गई इसके लिए अगर आप ऑनलाइन इसके लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते तो दोस्तों आपको 20/7/2024 से पहले इस फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कीजिएगा आपका जो फॉर्म है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो इसलिए समय रहते 20 से पहले आपको कर लेना है। उसका दोस्तों यहाँ पर देखिए तो आपको आवेदन भेजने का पता, तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बात आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फॉर्म अप्लाई होगा जो ऑफलाइन तरीके से होगा, इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया कोई भी नहीं है। आपको यहाँ पे आपका जहाँ भी पोस्ट ऑफिस उस पोस्ट ऑफिस पर जाना है, और मैं आपको बताऊँगा कौन सा फॉर्म को भरना है, कहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करना है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहे, मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताऊँगा कैसे क्या करना है और फॉर्म को कैसे भरते, सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। उसका दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ऊपर में देख रहे हैं कि आपको समय सीमा आपको मिल गया, आवेदन प्रक्रिया आपको पता चली है कि ऑफलाइन होगा।
उसका दोस्तों यहाँ पे देखिए तो आपको लिखा हुआ मिलेगा आवेदन भेजने का पता, तो आपको किस जगह पर आवेदन भेजना है, जो आपका फॉर्म भर करके उसमें जो डॉक्यूमेंट मांग रहा वो डॉक्यूमेंट आपको लगा करके कहाँ पे भेजना, तो उसका यहाँ पे देख सकते पता दिया हुआ कि जिला नियोजन पदाधिकारी अरवल, जिला नियोजन कार्यालय अरवल, प्रखंड परिसर अरवल, पिन कोड इतना पर, लिफाफे पर विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम अंकित रहना अनिवार्य है। तो दोस्तों आप जब भी स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो लिफाफे आपको मिलेगा, उस लिफाफे के अंदर आप फॉर्म को अंदर डालिए, उसका लिफाफे के ऊपर आपको उसमें विज्ञापन संख्या जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ऊपर में देख सकते हो ऊपर में यहाँ पर विज्ञापन संख्या 01/2024 दिखाई दे रहा, वो यहाँ पर आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद आप किस पद पर आप फॉर्म को भर रहे हैं, जैसे कि एक ही पद है चौकीदार, तो आपको चौकीदार का नाम वहाँ पर डाल देना है। उसका यहाँ पर देख सकते आवेदन करने की शर्तें यहाँ पर दिए, आपको अच्छे से रीड कर लेना दोस्तों। आपको इस सब का रीड करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको इस सब का रीड कर लेना। यहाँ पर देख सकते कितना कौन सा कैटेगरी में कितना परसेंट पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा, सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसका चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको नौ डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेगा, तो ये सारा आपको दिखाई दे रहा है जो डॉक्यूमेंट के लिए, तो आपको अच्छे से रीड करना। चलिए मैं आपको इसको रीड करके दिखाता हूँ। तो सबसे आपको पहला मिलेगा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि 10th का आपको मार्कशीट। उसके बाद आपको सेकेंड में मिलेगा निवास प्रमाण पत्र। उसका 3 नंबर आपको मिलेगा जाति प्रमाण पत्र, जो कि आरक्षण मात्र उसके लिए। उसका यहाँ पे आपको 4 नंबर में मिलेगा आचरण प्रमाण पत्र, जो कि आपको पुलिस स्टेशन यानी कि थाना से आपको बन जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा 5 नंबर साइकिल चलाना संबंधित एवं घोषण पत्र। तो दोस्तों आपको साइकिल चलाना आता है तो उसका आपको प्रमाण पत्र बनवा लेना कोई भी साइकिल दुकान से। उसका यहाँ पर आपको 6 नंबर मिलेगा दिव्यांग प्रमाण पत्र। दोस्तों अगर आप दिव्यांग है तो आपको प्रमाण पत्र देना जरूरी है, अगर नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय पेंशन प्राप्त संतना सोनानी के पोता पोती नतनी। तो दोस्तों अगर आप आपके घर में कोई भी जॉब करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपको आरक्षण मिल सकता है। उसका यहाँ पे लिखा हुआ 8 नंबर का हाल का अतिरिक्त 2 रंगीन फ़ोटो। तो दोस्तों आपको हाल ही में यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर जो फ़ोटो को आप क्लिक करवाए होंगे वही फ़ोटो चाहिए। उसका यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि फ़ोटो के पीछे विज्ञापन संख्या, पद का नाम एवं पूरा पता उल्लेख करना है। उसका यहाँ पर आपको 9 नंबर लिखा हुआ मिलेगा आधार कार्ड। आप समझ गए होंगे कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। दोस्तों इतना डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रख लेना है। उसका यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा आवेदन के लिए कोई भी शुल्क देना नहीं है। तो दोस्तों आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको आवेदन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एक भी रुपया चार्ज नहीं। जो आपका स्पीड पोस्ट कीजिएगा उसमें आपसे जो चार्ज 50-100 लेगा आपको वही चार्ज लगेगा, इसमें फॉर्म में कोई भी आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। उसका चलिए बात करते हैं क्या यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म खुल करके आ जाएगा, इसी फॉर्म को आपको फिलअप करना है। तो दोस्तों फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताएंगे कहाँ पे क्या फिलअप करना, तो आप वीडियो पर बने रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में देखिएगा तो आवेदन पत्र का प्रपत्र मिलेगा। उसका यहाँ पर आप देखिएगा तो ऊपर में लिखो ऊपर में दोस्तों आपको लिखो मिलेगा देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला कि कार्यालय उपयोग के लिए, तो आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करना, ये कार्यालय में भराएगा। उसका यहाँ पे आपको मिलेगा एक पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो को यहाँ पे चिपका देना, उस पर आपको नीचे सिग्नेचर कर देना है। उसका यहाँ पे देख सकते हैं आपको विज्ञापन संख्या इतना इतना दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा पद का नाम, तो आपको पद का नाम चौकीदार डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा आवेदक का नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो दोस्तों जो लोग आवेदन कर रहे हैं उसका नाम और हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल देना है। उसका जिला नियोजन कार्यालय अरवल का निबंध संख्या डाल देना है। उसका यहाँ पर पिता पति का नाम डालना, तो दोस्तों अगर आप पुरुष है तो अपना पति का नाम डालना, जो महिला कर रहे हो वो अपना पति का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ माता का नाम, तो आपको माता का नाम डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ मिलेगा कि जन्म तिथि अंकों में प्रमाण पत्र मैट्रिक के प्रमाण पत्र के हिसाब से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना। तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना दिन महीना वर्ष के हिसाब से, तो यहाँ पे देख सकते जैसे कि आपका 5/5/2000 जितना भी है, जैसे मैं आपके एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको 0 डाल देना है। उसका यहाँ पे 0 यहाँ पे दोस्तों आपको 0 डाल देना है, इस तरह से आपको 0 डाल देना है, यहाँ पर 5 डाल देना है। उसका महीना में आपको अगर आपको छठा महीना तो यहाँ पर आपको 0, यहाँ पर आपको 6 डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 2000 जितना है उतना आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इस तरह से आपको जन्मतिथि भर लेना, उसके बाद आपको शब्दों में लिख देना जन्मतिथि कि आपका दिन क्या है, महीना क्या है, वर्ष क्या है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 1/7/2024 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ कितना, उस बीच में आप कितना दिन का होते वहाँ पे ये डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कि पुरुष है या स्त्री है, यहाँ पर आप डाल देना है। उसका आपसे पूछ रहा है कि आप किसी आरक्षित वर्ग से है तो हाँ करना, नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। उसका यहाँ पे आपको मिलेगा देख सकते हैं 3 नंबर में आरक्षित वर्ग के अधीन जाति का नाम यहाँ पर डाल देना है, अस्थाई का पूरा पता डालना है, वर्तमान पता यहाँ पर डाल देना है।
उसका यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर का फिलअप कर लेना है। उसका यहाँ पर बोल रहा है कि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो हाँ, नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसका यहाँ पर पूछ रहा है कि अंकित दिव्यांग का प्रतिशत यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसका यहाँ पूछ रहा है कि आप अरवल जिला का स्थाई है, तो दोस्तों यहाँ पर डाल देना हाँ यदि पूर्ण रूप से उल्लेख करें। तो दोस्तों अगर आप अरवल जिला से आते हैं तो यहाँ पर आपको हाँ डाल के यहाँ पर आपको सारा कुछ यहाँ पे आपको डेटा को फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप विवाहित है या अविवाहित है। दोस्तों अगर आपका शादी हो चुका है हाँ करें, नहीं हुआ था नो कर दें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पूर्व से सरकारी सेवा में कार्यरत है, हाँ तो हाँ न तो ये नहीं पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद है तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दे। उसका यहाँ से पूछ रहा है कि आप विज्ञापन अंकित आवश्यक सूचना न्यूनतम सक्षमी धारण कहते हैं। यहाँ से दोस्तों आप पूछ रहा है क्या आप विज्ञापन में अंकित आवश्यक या न्यूनतम शैक्षणिक की योग्यता धारण करते हैं, हाँ तो हाँ न तो नहीं कर देना है। अगर हाँ तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ शैक्षणिक की योग्यता का विवरण करें। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि आप जो आपके पास डॉक्यूमेंट है यानी कि टेंथ का मार्कशीट है, उस टेंथ का मार्कशीट के यहाँ पे दोस्तों टेंथ के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिलअप करना है। सबसे यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है ये वाला लाइन में आपको परीक्षा किस साल उत्तीर्ण किए थे वो डाल देना है। यहाँ पर आपको संकाय डाल देना है यानी कि कौन सा विषय है, उसका यहाँ आपको सत्र डाल देना है, कौन सा वर्ष में पास किए थे। उसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना कौन सा तिथि में आपका एग्ज़ाम हुआ था वो डाल देना है। उसके बाद कॉलेज या विद्यालय का नाम डाल देना है यानी बोर्ड का नाम डाल देना, कौन सा बोर्ड से पास किए, उसका कुल कितने नंबर के एग्ज़ाम हुआ था ये डाल देना है, कितना नंबर उसमें आपका आया था वो इसमें डाल देना है, कितना परसेंटेज श्रेणी क्या है ये सब यहाँ पर डाल देना है। उसका यहाँ से आपसे पूछ रहा है क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद विचारणीय है, यानी कि दोस्तों आपके विरुद्ध यानी कि न्यायालय से कोई भी वाद या कोई भी झगड़ा उगड़ा है तो हाँ करें, ना तो नहीं पे क्लिक कर रखा है। दोस्तों किस विषय में है तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जैसे पूछ रहा है कि किसी आप क्या आप किसी न्यायालय द्वारा दंडित किए गए है तो हाँ करें, अगर नहीं है तो नहीं कर ले, अगर है तो यानी कि उसका कारण दे कि मतलब आपके ऊपर कौन सा विवाद है उसका कारण देना है। उसके यहाँ से पूछ रहा है कि शारीरिक पहचान की विवरण करें, तो दोस्तों आपको पहचान के लिए आपको शरीर में कोई भी कट फट है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके यहाँ से पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र की अभी प्रमाणित प्रति संलग्न करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र केवल आरक्षण का दावा करने वाले पर लागू, आचरण प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत। उसका यहाँ से देखिए तो आपको लिखा हुआ मिलेगा साइकिल चलाने संबंधित एवं घोषण पत्र यहाँ पे आपको मिलेगा, वो आपको जो हम दिखाए हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहा है तो ये आपको अच्छे से रीड कर लेना। उसका यहाँ पे आपको घोषण मिल जाएगा, घोषण का आपको पढ़ लेना है। उसका यहाँ पे आपको एक फ़ोटो को फिर से चिपका करके आपको सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उम्मीदवार का हस्ताक्षर तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में कर देना। उसका यहाँ पे आपको स्थान तिथि डाल देना है। उसका इसको आपको छोड़ देना, ये वाला आपको जो बॉक्स दिख रहा है इसको आप छेड़छाड़ नहीं करना, ये कार्यालय में भराएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 25/2024 को यहाँ पे नोटिस जारी हुआ। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप भी चौकीदार पद के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफलाइन तरीके से आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो आपको पता हम दिखाए वो पता आप ये कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं लगा, आपको कोई भी फॉर्म के लिए चार्ज नहीं किया जाता था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी आपके पास मौका है सरकारी जॉब लेने का। और एक खास बात ये है कि परमानेंट जॉब रहेगा, ये नहीं कि 2 साल 3 साल वाला नहीं, आपको परमानेंट रहेगा और सैलरी भी अच्छा खासा 20 से 25 के बीच में है। और आपको कहीं जाना भी नहीं, आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका पुलिस स्टेशन में आपको जॉब मिल जाएगा। दोस्तों अगर कहीं भेजेगा भी तो आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।